ऐसा कोई भी दिन जिस दिन मैं अपनी बेइज्जती ना कराऊं, वो दिन फिजूल है। जब तक मैं अपनी बेइज्जती ना करा लूं, मेरे पेट में जो खाने की पदार्थें हैं, जैसे कि लात और ज़्यादा लात और भी ज़्यादा लात इत्यादि, ये सब पचते नहीं हैं। अब अगर मैं अपने आवाम के लिए अपनी बेइज्जती ना कराऊं, तो मैं काहे का पीएम हूं? मैंने अपने मुल्क के लोगों का नमक खाया है, और अगर मैं उनकी जगह पे अपनी बेइज्जती ना कराऊंगा, तो फिर क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी कराएगा? रसिया जाके मैंने जो अपनी बेइज्जती कराई है, उसका कोई जवाब ही नहीं। इंशाल्लाह, आई प्लेड वेल। ऐ खुदा, अगर तू मेरे लफ्जों को सुन रहा है, तो इस दुनिया में 366 देश बना दे, ताकि मैं हर रोज एक एक देश के गेट पे जाके उनसे भीख मांग सकूं। पर 366 क्यों? अरे एक देश मेरा खुद का पाकिस्तान भी तो है। नमस्कार। तो रशिया जो यूक्रेन के ऊपर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, क्या आपको नहीं मालूम कि रशिया यूक्रेन के ऊपर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है? आपको किसने कह दिया रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, रशिया यूक्रेन के ऊपर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, कोई वॉर नहीं हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ। दरअसल इंटरनेशनल एक लॉ है कि अगर किसी भी देश का कोई पार्ट, कोई राज्य अगर उस देश से अलग होना चाहता है, और अगर वहाँ के लीडर पड़ोसी देश को ये खत लिख देते हैं कि मुझे यहाँ से अलग होने में मदद करो, तो जो पड़ोसी मुल्क है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और यही चीज रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट है, लुहांस्क और डोनेस्क, इसको अलग करने में रशिया मदद कर रहा है वहाँ के लोगों की। वहाँ के लोगों ने लिखकर ये दे दिया रशिया को कि आप हमें इस देश से आजाद कराओ, यानी कि यूक्रेन से आजाद कराओ। और इसी कारण से जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंडिया के अंदर जो कश्मीर के कुछ पत्थरबाज हैं, जो बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया से कश्मीर अलग हो जाए, जो कि कभी बाप जन्म में नहीं होगा। अगर इसका एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, तो इंडिया कभी भी चाहे तो पाकिस्तान को अटैक करके उसे धूल चटा सकता है, लेकिन हम लोग अपने बेटे की खातिरदारी अच्छे तरीके से करते हैं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, अगर वो लिखित में दे दें इंडिया को कि हम लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और हमारी मदद करो, तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान को अटैक करके बलूचिस्तान को अलग कर सकता है। और खैर, पाकिस्तान की तो क्या ही औकात है, बाप के सामने बेटा क्या ही बोल देगा। पाकिस्तान तो खुद भीख मांग के खाता है, वो क्या इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। पाकिस्तान का कहना है, मांग चांग कर खाएंगे और बाबू साहब कहलाएंगे। तो अब इसे आप लक कह लो या फिर उनकी आदत कह लो, इमरान खान का जो लक और आदत है वो बहुत ही खराब है। जहाँ पे भी वो जाते हैं वो समय खराब ही होता है। अब आप तो इमरान खान का नेचर जानते ही हो, वो ठहरे खानदानी गरीब। उन्होंने जाके सीधा व्लादिमीर पुतिन के सामने अपना कटोरा रख दिया और पुतिन से कहा, पुतिन साहब जितना डाल सकते हो उतना डाल दो। पुतिन भी ठहरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मित्र, वो भी मजे लेने लगे। उन्होंने कहा, आधा डालो या फिर पूरा? इमरान खान ने बोला, जनाब आपके पास जितना है उतना डाल दो। पुतिन ने कहा, अगर मैंने पूरा डाल दिया तो फिर तेरी फ्लाइट उड़ भी नहीं पाएगी, तो फ्लाइट में बैठ भी नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद इमरान खान ने कहा कि जनाब ये आप कैसी अश्लीलजनक बातें कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है? जिसपे कि पुतिन साहब ने रिप्लाई करते हुए कहा, शोभा तो ये भी नहीं देता है कि हिंदुस्तान का बेटा पाकिस्तान आके भीख मांगे, जिसका बाप इतना अमीर है उसका बेटा भीख मांगता फिर रहा है, फिर भी तू मांग रहा है ना। तो इमरान खान जो रशिया से भीख मांगने के लिए रशिया पहुंचे थे, इसके कारण से यूएसए ने उनके ऊपर $55 मिलियन का फाइन ठोक दिया। अब यूएसए को कौन समझाए कि तुमने जिसके ऊपर $55 मिलियन का फाइन ठोका है, वो खुद बकरी ठोक ठोक के जिंदा है, वो अपने बकरी के बच्चे के हिस्से का दूध नहीं छोड़ता, और वो तुम्हें $55 मिलियन देगा। अब जब पूरी दुनिया रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही थी, तो पाकिस्तान पीछे कैसे हट सकता था? पाकिस्तान ने भी कहा कि मैं भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा। पाकिस्तान ने कहा, जो भी पैसे हमने रशिया से लिए थे उधार में, वो हम वापस ही नहीं करेंगे। इमरान खान की ये सब नौटंकी देखने के बाद, ये सब हरकतें देखने के बाद, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायलॉग याद आता है, और वो है ये, क्योंकि हम खानदानी गरीब है, हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। तो अब जो पाकिस्तान ये सभी हरकतें कर रहा है, इसको देख के यूरोपियन यूनियन के जो देश होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखा, और प्रेम पत्र में उन्होंने ये कहा, हम सभी देश ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रशिया के अगेंस्ट वोट करे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पिछवाड़े में बाल मुकुंद TMT सरिया डाल के लिटिल बाल मुकुंद पैदा कर दिया जाएगा। अब इमरान खान इसके ऊपर चुप कैसे रह सकता था? इमरान खान ने कहा, तुम मुझे बंबू कर सकते हो, अगर दम है तो मेरे बाप हिंदुस्तान को कुछ बोल के दिखाओ। तो इंटरनेशनल भिखारी उर्फ इमरान खान, बात ऐसी है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, सही से लिहाज से अपने बाप के बारे में बात करो, वरना 5वीं बार थूर दिए जाओगे, और इस बार तुम्हें जायदाद से बेदखल भी कर दिया जाएगा।
पहले तुम बड़े शान से अपने आधार कार्ड के ऊपर अपने अबू का नाम गर्व से हिंदुस्तान लिखते थे। अगर हम लोगों ने जायदाद से बेदखल कर दिया तो अपने अबू का नाम लिख भी नहीं पाओगे। फिर जितने यूरोप के देश है ना, वो सब तुम्हें बिन बाप के पैदाइश बुलाएंगे। उसकी बात तो ये जो चाइना है जो तुम्हें रखेल बना के रखता है वो भी नहीं पूछेगा।